गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे और सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर के आज की वीडियो में मेरे द्वारा जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए आप उसको कॉपी पर नोट करें। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स की अपना ये फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर्स को अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। आप लोग मेरी इससे पहले की वीडियो को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट पर जाकर के आप विजिट कीजिएगा। जो बच्चे हमारे साथ में नए जुड़े हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसा करने से आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक ऐसा है बच्चों कि हर वर्ष ही एग्जाम में बच्चों उससे क्वेश्चन बनता। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक से कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। तो मैं ज़्यादा आपके सामने डिटेल ना बताते हुए सीधे मैं टॉपिक पर पहुँचता हूँ और आप सभी लोग मेरे द्वारा बताए जाने वाले एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वह आणविकता है। आज का जो अपना टॉपिक है वह आणविकता। हम लोग आज आणविकता पढ़ेंगे। आणविकता और कोटि, फिर एक बार सुन लीजिएगा, आणविकता और कोटि ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही रुचिकर तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर टॉपिक को कंप्लीटली लिखता हूँ। अभिक्रिया की आणविकता। आणविकता को इंग्लिश में हम लोग मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। मैं यहां पर नोट किए देता हूं, मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग बच्चों आज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया की आणविकता को पढ़ने वाले। सबसे पहले पॉइंट यही आएगा कि मॉलिक्युलरिटी है क्या। बच्चों चलिए मैं एक ट्रिक के माध्यम से, एक नए तरीके से आज आपको मॉलिक्युलरिटी की डिफिनेशन बताऊंगा। आप अपने आप ही डिफिनेशन को निकालें। देखिए बच्चों, अगर मैं इस मॉलिक्युलरिटी को, जो वर्ड हमारे हमने यूज किया है मॉलिक्युलरिटी, मैं इसको तोड़ देता हूं। अगर आप इसको तोड़ेंगे तब बच्चों जो मॉलिक्यूल, आप यहां से दो वर्ड निकल रहे हैं, मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्यूल प्लस कैलकुलरिटी। बहुत ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्युलरिटी से दो बातें निकल करके आ रही, एक मॉलिक्यूल और दूसरा कैलकुलरिटी। मैं यहां पर नोट करता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं, एक तो मॉलिक्यूल है और दूसरा बच्चों कैलकुलरिटी। ये दो बातें निकल करके आए। फिर से एक बार देखिएगा, पहला टर्म क्या निकल करके आया है, मॉलिक्यूल निकल के आया है और दूसरा बच्चों कैलकुलरिटी निकल करके। इतनी बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सरल तरीके से हम लोग इस पॉइंट को पढ़ेंगे। तो मॉलिक्युलरिटी को हम लोगों ने दो टॉपिक में तोड़ दिया, पहला बच्चों मॉलिक्यूल और दूसरा बच्चों कैलकुलरिटी। कैलकुलरिटी को हिंदी में हम लोग बच्चों गणना कहते हैं। क्या बोलते हैं? गणना बोलते हैं। आप चाहे इसको गणना बोले चाहे आप इसका अंकन बोले, दोनों बातें बच्चों इसके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फिर एक बार बता दूं, आप चाहें तो इसको मैं यहां पर ऊपर नोट किए देता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा रहे।
तो ये जो कैलकुलेटी, इसको हम लोग चाहे तो गणना कह सकते हैं अथवा आप चाहे तो इसको अंकन कह सकते हैं। तो दो बातें निकल करके आ रही, एक गणना और दूसरा बच्चों अंकन। फिर दूसरी बात, इधर हम लोग मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल के स्थान पर बच्चों आप चाहे तो एटम भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसी के स्थान पर आप आयंस को भी यूज कर सकते हैं। बहुत ध्यान देना मैंने जो यहां पर पॉइंट बताया। तो मॉलिक्यूलरिटी को दो पॉइंट्स में हम लोगों ने तोड़ा है, मॉलिक्यूल और दूसरा बच्चों कैलकुलेटी। कैलकुलेटी को हम लोग हिंदी में गणना भी कह सकते हैं अथवा अंकन भी कह सकते हैं। और मॉलिक्यूल के स्थान पर हम लोग चाहे तो एटम भी यूज कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो आयंस भी यूज कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ जाते हैं, हमारे पास यह रिएक्शन है और रिएक्शन में हम लोग जानते हैं कि हमारे पास दो पार्ट होते हैं। किसी भी रिएक्शन की शुरुआत जिसके द्वारा की जाती है उसको रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, और अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके जिसका निर्माण करता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, अर्थात उत्पाद। तो यहां पर अपने पास दो चीजें हैं बच्चों, एक चीज है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं मैं बता चुका हूं, और दूसरी बात बच्चों प्रोडक्ट की है। प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। तो हमें अभी प्रोडक्ट पर नहीं जाना, हमको केवल अभी रिएक्टेंट को लेकर के बात करनी। रिएक्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं यहां पर नोट किए देता हूं, रिएक्टेंट को हिंदी में अभिकारक। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखिए किसी भी रिएक्शन में भाग लेने वाले अभिकारक, यह अभिकारक किस में आते हैं, यह रिएक्शन में आते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में भाग लेने वाले अभिकारक, अब यह अभिकारक किस रूप में हो सकते हैं, तो देखिएगा यह अभिकारक मॉलिक्यूल अर्थात अणु के रूप में हो सकते हैं, एटम अर्थात परमाणु के रूप में हो सकते हैं, और आयंस अर्थात आयन के रूप में हो सकते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले अभिकारक, चाहे वो अणु के रूप में हो, चाहे वो परमाणु के रूप में हो, अथवा वह आयन के रूप में हो, उनकी संख्या, उनकी गणना, उनका अंकन, ये क्या कहलाता है, यह मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मैं अगर इसी को एक नए शब्दों में कहना चाहूं तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की संख्या, अभिकारक की संख्या। अभिकारक किस रूप में हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के रूप में हो सकते हैं, एटम के रूप में हो सकते हैं, एंड आयंस के रूप में हो सकते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले अभिकारकों की संख्या या क्या कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग इसके रिएक्शन की बात करते हैं, आप चाहें तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं बच्चों अब इसको रख के देता हूं, और अब हम लोग इसकी डिफिनीशन की बात करेंगे कि इसकी डिफिनीशन बच्चों क्या हो सकती है। चलिए हम डिफिनीशन की बात करते हैं, डिफिनीशन क्या हो सकती है। मैं डिफिनेशन को बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप लोग मेरे साथ अपनी कॉपी पर नोट कर। देखिए बच्चों, डिफिनेशन है किसी रासायनिक अभिक्रिया में आप लोग बच्चों एक काम और कीजिएगा, मेरे साथ बच्चों रिकॉल भी करते रहना। आप रिकॉल करते रहेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा, बार बार आप अगर रिपीट करेंगे तो आपको भी आसानी रहेगी याद करने में। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अभी मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, भाग लेने वाले किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अधिकारी, यहां पर बच्चों केवल आपको रिएक्टेंट की बात कर दी, केवल रिएक्टेंट की बात करनी है, भाग लेने वाले अधिकारी
अणुओं की। मैंने बच्चों किस प्रकार के अणुओं की बात की, तो अधिकारी अणुओं की बात की। अधिकारी अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता पर, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। आई होप आपको यह डिफिनेशन बहुत ही सरल लगी होगी। फिर से एक बार डिफिनेशन को देख लीजिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली केवल अभिकारी अणुओं की कुल संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बच्चों, मैं इसको रफ की देता हूँ और आगे के पॉइंट्स का डिस्कस करता हूँ। अब इसी डिफिनीशन को अगर हम लोग इंग्लिश में लिखना चाहें, क्योंकि हम लोग जितना वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश का, जितनी आप लैंग्वेज, जितनी आप टर्म इंग्लिश की यूज करेंगे मेरे बच्चों, आपको उतने अधिक मार्क्स गेन होने वाले। तो इसीलिए ध्यान देना कि हमको इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म यूज करने पड़ेंगे, ताकि हम लोग एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो इसी डिफिनेशन को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, चलिए हम लोग उसकी बात करते हैं। देखिएगा बच्चों, हम लोग इंग्लिश में इसी डिफिनेशन को किस तरह से लिखेंगे। डिफिनेशन होगी मॉलिक्यूलरिटी इन केमिस्ट्री। हम लोग मॉलिक्यूलरिटी किस में बात करते हैं, केमिस्ट्री में बात करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी इन केमिस्ट्री इज द नंबर ऑफ is the number of अर्थात संख्या की बात कर रहे हैं। number of molecules मॉलिक्यूलरिटी बार बार रिकॉल करते रहे, रिकॉल करेंगे तो वीडियो देखते समय ही आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। बच्चों बाद में याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। मॉलिक्यूलरिटी इन केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान में आणविकता इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की संख्या को इंडिकेट करता। बात समझ में आ गई। और ये कौन से मॉलिक्यूल हैं डेट कम्स टूगेदर टू रिएक्ट। देखिएगा, मॉलिक्यूल्स डेट कम टुगेदर, अब कम टुगेदर का मतलब जो एक दूसरे के पास आते, एक दूसरे के पास आते तो कम टुगेदर टू रिएक्ट। पास एक दूसरे के क्यों आते, टू रिएक्ट, रिएक्ट करने के लिए। In a single step reaction, in a single step reaction। तो बच्चों बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको यह डिफिनीशन भी बता दी। एक बार फिर आप देख लीजिएगा, मॉलिक्यूलरिटी इन केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलरिटी इन केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में जो मॉलिक्यूलरिटी है इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वह मॉलिक्यूल्स की संख्या, कौन से मॉलिक्यूल्स की संख्या है दैट कम्स टुगेदर जो एक दूसरे के पास आते। क्यों आते हैं पास, टू रिएक्ट, रिएक्शन करने को। और रिएक्शन करने के लिए हम लोग जिनका नाम लेते हैं वो रिएक्टेंट, जो रिएक्शन करता है बच्चों वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से हैं, वो रिएक्टेंट की बात हो रही है। अब वो किस प्रकार की रिएक्शन में, तो इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब बच्चों ऐसी रिएक्शन जो एक ही पद में पूर्ण हो जाती है। तो आपने बच्चों इस डिफिनेशन को नोट कर लिया होगा, आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
चलिए मैं इस रिएक्शन को रफ की देता हूं और बच्चों इसकी एक डिफिनीशन में और आपके सामने बताऊंगा और एक और नई डिफिनीशन में आपके सामने बताने जा रहा हूं। अधिक से अधिक डिफिनीशंस को जब आप याद कर लेंगे तो बच्चों आपको पूरा मटेरियल पूरा कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी रहेगी। एक डिफिनीशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्युलरिटी इन केमिस्ट्री शोज किसको शो करती है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच रिएक्ट विद ईच अदर, जो एक दूसरे से रिएक्शन करते। अर्थात हिंदी में हमने क्या पढ़ा था कि उन अभिकारी अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, या कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। एक तरीके से मैं और डिफिनेशन को क्लियर करता हूं, आप लोग देखें। वो डिफिनेशन इस तरह से रहेगी कि किसी मेरे साथ कॉपी पर नोट भी करते रहें और आप बार बार रिकॉल भी करते रहें, किसी भी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया, बहुत ध्यान से मेरी बात को नोट करना मेरे बच्चों, किसी भी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में मैं आगे आपको यह भी डिस्कस करूंगा कि प्राथमिक शब्द मैंने क्यों यूज किया है, मैं उसकी भी बात करूंगा। किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी भी प्राथमिक, यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया, मैं इसको भी बताऊंगा, किसी भी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के बच्चों मैंने बताया था परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, तो अभिकारक के परमाणु अणु या आयन, मैंने तीनों की बात कर ली, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, जो एक साथ जुड़कर अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे अभिकारी अणु परमाणु या आयन की संख्या को आणविकता कहते हैं, तो यह भी परिभाषा बहुत सरल है, हालांकि थोड़ी एक्सप्लेन करने में आपको थोड़ा दो चार लाइनें ज्यादा लगी हैं, लेकिन बच्चों हमको जितने कंटेंट मैं बता रहा हूँ, जितना मटेरियल मुझको मिलेगा मैं सारा मटेरियल आपके सामने प्रोवाइड करूँगा और आपको भी बच्चों सारे मटेरियल्स जो भी मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए जाएं, जो भी डिफिनेशन मेरे द्वारा बताई जाए, आप उनको कंठस्थ करेंगे। तो फिर सुनिएगा, किसी भी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में मैंने यहाँ पर दो तरह की बात की, एक बात की है सिंगल स्टेप रिएक्शंस की
और यहाँ पर बच्चों मैं बात कर रहा हूँ प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया की। तो किसी भी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या, अभिकारी अणुओं की संख्या, ये अभिकारी चाहे तो परमाणु के रूप में हो सकते हैं, अणु के रूप में हो सकते हैं, अथवा आयन के रूप में हो सकते हैं, एक साथ जुड़कर अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। बार बार रिकॉल करेंगे तभी आपके डिफिनेशंस आसानी से क्लियर हो जाएंगे। एक साथ जुड़कर अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और अभिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ये जो अभिकारक यूज किए गए हैं, चाहे वो अणु के रूप में हो, परमाणु के रूप में हो, अथवा आयन के रूप में हो, इनकी संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। क्लियर हो गया होगा? अब यहाँ तक बच्चों किसी को कोई समस्या हुई हो अथवा कोई डाउट किसी का रह गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स अवश्य करें और मैं आपके कमेंट्स को देख करके आपके कमेंट्स का रिस्पांस भी आपको दूंगा। चलिए हम लोग इसको रफ करते हैं, आगे बात करते हैं। बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा है जिसको हम लोगों ने प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया बोला। अब बात आती है प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया है क्या, तो हम लोग उन प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया की भी बात करें। दो टर्म हमने यूज की है, एक तो टर्म हम लोगों ने यूज की है प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया एक हमने यह टर्म यूज की है और एक टर्म और भी जो हम लोगों ने यूज की है, अगर आपको पता होगा वीडियो को बार बार बैक करके देखेंगे तो आपको ये दोनों टर्म मिल जाएंगे। एक टर्म है सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो ये दो टर्म ही बच्चों हम लोगों ने यूज किए हैं, प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये दोनों टर्म एक ही है। अब मैं आपको बता दूं ये दोनों टर्म सेम है, एक को हम लोग प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। दोनों हिंदी और इंग्लिश में बोले जाते हैं लेकिन है दोनों एक ही टर्म। प्राथमिक रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो सिंगल स्टेप में पूर्ण हो जाती है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक ही पद में पूर्ण हो जाती हैं, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, बच्चों प्राथमिक रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और यही सिंगल स्टेप की डिफिनेशन बच्चों इसमें भी लागू है कि दोज रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन ओनली वन स्टेप, जो केवल एक ही पद में पूर्ण हो जाए सिंगल स्टेप रिएक्शंस कहलाते हैं। और बच्चों इसके अलावा वे रिएक्शंस जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती हैं बच्चों वो कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और हिंदी में बोले तो जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आई होप मैंने सारी टर्म्स को एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने मॉलिक्युलरिटी पढ़ ली। अब बच्चों मॉलिक्युलरिटी के आधार पर ही रिएक्शंस को थ्री टाइप्स में बांटा गया। कैसे हम लोग उसको क्लियर कर सकते हैं, देखिएगा। हम लोगों ने मॉलिक्युलरिटी में क्या पढ़ा था, कि किसी भी रिएक्शन में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या। अब यह अभिकारी अणुओं की संख्या एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और तीन भी बच्चों हो सकती है। तो उसी के आधार पर रिएक्शंस को भी बांट दिया गया। कैसे बांटा गया एक बार देखिएगा। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं एक अणुक अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में बच्चों यूनिमॉलिक्यूलर
रिएक्शन भी बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक अणु प्रतिक्रिया अर्थात यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करता हूं। और यहां पर देखिएगा, मैं आपको डिफिनेशन दूंगा, लेकिन डिफिनेशन से पहले मैं आपको एग्जांपल देख करके इसको स्पष्ट करूंगा। और एग्जांपल देने से बच्चों आप स्वयं समझ जाएंगे कि इसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है। मैं यहां पर एग्जांपल के तौर पर एक रिएक्शन को नोट करता हूं, उस रिएक्शन को आप देखिएगा और अपने आप बताइएगा। बच्चों इस रिएक्शन को देखिए और फिर अपने आप बताइए कि इस अभिक्रिया में कितने अभिकारी अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोग जानकारी मिल गई होगी, आप लोगों ने देखकर पहचान लिया होगा कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन हाउ मैनी, कितने रिएक्टेंट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो आप बताएंगे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट की संख्या केवल एक है। सिंपल सी हमारी परिभाषा, हमारी डिफिनेशन भी खत्म। द रिएक्शंस इन विच ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट, अथवा हम लोग इन्वॉल्व भी कह सकते हैं, द रिएक्शंस इन विच ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, वह क्रिया जिसमें अभिकारी अणु केवल एक होता है या फिर केवल एक अभिकारी अणु प्रेजेंट रहता है, तो ऐसी क्रिया बच्चों एक अणु का अभिक्रिया या हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ एक अणु का अभिक्रिया की डिफिनेशन आप नहीं भूलेंगे। चलिए मैं फिर से बात करता हूँ, तो यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक अभिकारी अणु भाग लेता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसको रफ की देता हूं और अब मैं दूसरे प्रकार की बात करता हूं। और जो दूसरा प्रकार बच्चों हम लोग यहां पर देखेंगे बच्चों, वह द्वि अणु प्रतिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं बी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, द्वि अणु प्रतिक्रिया अर्थात बी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मैं यहां पर ही बच्चों पहले आपको एग्जाम्पल दूंगा, देखिए मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ। एग्जाम्पल को देखिए, अपने आप पहचानिए कि ये रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है अथवा बी मॉलिक्यूलर है। कैसे पहचानेंगे, हम लोग देखेंगे कि रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनकी संख्या कितनी है। देखिए बच्चों मैं यहाँ पर रिएक्शन लिखता हूँ, यहाँ पर बच्चों में रिएक्शन लिखता हूँ H2+I2, एक रिएक्शन ये हो गए। मैं चलिए एक एग्जांपल और देख करके आपसे बात करता हूं, दूसरी रिएक्शन हो सकती है NO, और NO की रिएक्शन बच्चों हम लोग किसके संग कराते हैं आप लोग देखिएगा। मैं NO के रिएक्शन ओजोन के साथ कराता हूं, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन में ओजोन के साथ कराता हूं, क्या बन सकता है बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ ही साथ बच्चों ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। दोनों में आप नंबर ऑफ रिएक्टेंट देखिएगा, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर दो है और यहाँ पर भी दो है। डिफिनेशन अपनी क्लियर हो गई, द रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट आर प्रेजेंट, जिसमें दो अभिकारी अणु उपस्थित होते हैं बच्चों, उनको हम लोग बी मॉलिक्यूलर रिएक्शन अथवा द्वि अणु अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम लोग तीसरे रिएक्शन की बात करते हैं, और तीसरी रिएक्शन कौन सी हो सकती है चलिए उसका डिस्कस करते हैं। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अब मैं इसको रफ की देता हूं। आज की जो थर्ड रिएक्शन हम लोग इसमें पढ़ेंगे बच्चों, भाई थर्ड रिएक्शन का नाम है त्रि अणु अभिक्रिया। इस त्रि अणु अभिक्रिया को हम लोग ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। तो त्रिअणु अभिक्रिया या ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन को हम लोग किस तरह से बता सकते हैं, चलिए मैं इसका भी एक एग्जांपल लेकर के आपके सामने बात करता हूं। एग्जांपल कुछ इस तरह से है, 2CO2+O2
बच्चों अगर मैं इसमें रिएक्शन कराऊं, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस को यूज करेंगे, अगर मैं दोनों की रिएक्शन कराता हूँ तो आप देखिएगा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड कन्वर्टेड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इस रिएक्शन में पहचानिएगा, दो अभिकारक यहाँ पर है, एक अभिकारक यहाँ पर है, तो दो प्लस एक कुल मिलाकर के अभिकारक की जो संख्या है वो तीन है। तो डिफिनेशन हमारी क्या बनेगी, द रिएक्शन इन विच टू मोर, या मैं ऐसे कह सकता हूं द रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन थ्री नंबर। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारी अणु की संख्या तीन होती है बच्चों, उनको ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन या फिर हम लोग त्रिअणुक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या हुई है तो आप मुझे बताइएगा, मैंने सारे पॉइंट्स आपके सामने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको आज की वीडियोस पसंद आई हो, मेरे द्वारा दिया गया लेक्चर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स करें, अधिक से अधिक बच्चों लाइक करें, क्योंकि आप मुझे लाइक करेंगे तभी बच्चों में मेरा एक मोटिवेशन मुझे मिलेगा और मैं आपके सामने नए नए नोट्स, नए नए मटेरियल और साथ ही साथ PDF भी बच्चों आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। तो जिन बच्चों को भी PDF चाहिए वो मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप चाहें तो बैनर पर भी मेरा नंबर लिखा रहता है, आप मुझे उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको PDF उपलब्ध कराऊंगा। चलिए, आई होप सभी लोगों ने आज क्लास का मजे लिए होंगे, अच्छी लगी क्लास। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ, तब तक घर पर रहिए।